नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी चीज मैं आप सबको बता दूं, आज आप लाइफ में जो सोचेंगे वही आप एक दिन बनेंगे। आपकी सोच, क्योंकि इंसान जो सोचता है ना वही वो बोलना शुरू करता है। जब वो बोलता है तो जो उसके जो आपके शब्द हैं, आपको इस चीज का पता हो ना हो मैं आपको बता दूं, आपके जो शब्द हैं ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, जो भी ध्वनि कहीं पर भी डेवलप हुई है, वो शब्द, ये शब्दों से ही देव बनते हैं, देव जो देवी देवता है। आप जिस शब्द का, जिसका नाम, जैसे कि आपका कोई नाम बुलाता है, आपका कोई नाम लेता है तो ही आप देखेंगे। यदि किसी और का नाम लिया जाता है तो आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे। आप माँ शारदा का नाम लेते हैं, वो शब्द बोलते हैं जो माँ शारदा के नाम में है, तो माँ शारदा आप पर प्रसन्न होंगी, लक्ष्मी जी नहीं होगी। लक्ष्मी जी का जब आप नाम लेंगे तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, है ना। तो आपके प्रत्येक शब्द लाइव है, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रूप है। बोलने मात्र से शक्तियां पैदा होती हैं, आपको वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से वो शब्द एक रूप ले लेते हैं, और जो आपने बोला है वो चीज इस ब्रह्मांड में अपना प्लेस ढूंढने के लिए निकल जाती है। आपने किसी के बारे में कुछ भी बोला हो, जैसे कोई एक व्यक्ति के बारे में आप देखना, यदि 100 व्यक्ति एक जैसी बात करेंगे कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, एक न एक दिन वो चीज इतना बड़ा रूप ले लेगी कि वो व्यक्ति को सच में झुकना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही वो झूठ भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी इफेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो चीज बन चुकी है ब्रह्मांड में। तो ये बहुत ही समझ लेने वाला, एक साइंस की दृष्टि से भी आप इसको समझ लो, अध्यात्म की दृष्टि से भी आप इसको समझ लो, कि आप जो कर्म करते हैं, आप जो सोच रहे हैं, उसी का फल आपको अपनी लाइफ में मिलता है। तो अब आपको ये सोचना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके आपके पास पैसे आए, तो आप वो तमाम कर्म करें जो आपके अंदर की चीज को डेवलप करती है पैसों को ज्यादा खींचने में आपकी तरफ। बराबर, ढेरों उपाय मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ढेरों उपाय जो लक्ष्मी को आपकी तरफ खींच करके ला सकती है। सारे उपाय ना भी कर पाए तो जो भी दो चार उपाय आप कर सकते हैं आप उन्हें करें अवश्य, और पेशेंस रख करके करें, रिजल्ट जरूर मिलेगा और बहुत बढ़िया आएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबको अलर्ट कर दूं कि चैनल में काफी फ्रॉड लोग घुस चुके हैं, मेरी ही आईडी बना करके मेरे ही नाम से वे लोग अपना फोन नंबर डाल रहे हैं और आप लोगों को लूट रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में पड़े हुए किसी भी नंबर का आप कॉन्टेक्ट ना करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पड़े हुए नंबर को यदि आप कांटेक्ट करते हैं, पैसे देते हैं, तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, जब भी आप जो चाहते हैं कि मुझे ये चीज मिले, आप वही सोचें, आप वही करें। ये बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूं, आपको एवरी डे नाइट इस उपाय को करना है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक उपाय बताया था कि आपकी तिजोरी के अंदर एक शीशा लगा दें ताकि आपको पैसे दुगने दिखाई दें, आपके अंदर से एक चीज आए कि ओ जैसे डबल हो गए पैसे। आप इस चीज को 10 बार सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, आपके पैसे अपने आप डबल होने लग जाएंगे। पैसे आने के जो सोर्सेस है वो अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। आप अपने पर्स में शीशा रखें, आप देखेंगे आपके जो पैसे आने के जो सोर्स है वो बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ सिक्के, 2 के 5 के 1 के 10 के जितने भी सिक्के हो, पहले तो आप एक काम करें कि अपने घर पे, आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक कटोरी में थोड़े से सिक्के भर करके और रख दें। सिक्कों को आप मुंह तक भरें, कटोरी है तो कटोरी में, या फिर जैसे छोटी सी कोई मटकी जैसी हो जिसका नीचे का हिस्सा चौड़ा हो, ऊपर का मुंह सकरा हो, छोटा हो, ऐसे में आप सिक्के भर करके रख दें।
ठीक है। ऐसा करने से जब भी आपका ध्यान उस तरफ जाएगा या घर के किसी भी मेंबर का जाएगा, उसे लगता है वो काफी पैसे रखे हैं, वो काफी पैसे हैं मेरे पास, ये सोच आपके घर में पैसे लाने लग जाती है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप सोने के लिए जाते हैं अपने बेड पर, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल कूल होता है, सोते समय जो आपको उपाय करने के लिए बताए जाते हैं उसका एक यही कारण है कि सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग आपका शरीर शांत होता है, सोते समय भी आपका दिमाग आपका शरीर भले थका होता है लेकिन आपके दिमाग में एक चीज होती है कि बस अब सब चीज से निपट गए, सोना है। आपका दिमाग अपने आप शांत होने लग जाता है। निंद्रा की अवस्था जो होती है दोस्तों, उस अवस्था में आपको आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है जो आपकी बॉडी को रिन्यूअल करता है दूसरे दिन जीने के लिए, है ना। सोते समय आप जिन मंत्रों का जाप कर लेते हैं, सोते समय आप जो क्रियाएं करते हैं, आप देखना कभी कोई डॉक्टर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है इसको सोते समय लेना, कोई आपको क्रीम वगैरह बताई जाती है कि सोते समय इसको फेस पर लगाना, इसको बॉडी पर अप्लाई करना, अमुक तेल है सोते समय इसकी मालिश करना, क्योंकि पूरी रात में वो अपना वर्क कर लेते हैं और उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। जब आप सो जाते हैं, निंद्राधीन होते हैं, आपकी पूरी बॉडी उन चीजों को समर्पित हो जाती है जिसके लिए आपने सोने से पहले प्रयत्न किए होते हैं, है? तो ये बहुत छोटा सा उपाय है। कुछ सिक्के आप हमेशा अपने पास में अपने पर्स में रखें या अपने घर में रखें और सोते समय सोने से पहले हमेशा आप उन सिक्कों को गिने, 40 सिक्के हो, 50 हो, जितने भी हो, सिक्के हमेशा दोस्तों घर में रखने चाहिए। अभी इस समय यहाँ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताती, मेरे पास ढेरों सिक्के मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, आप ऐसे उठाओगे आपको लगेगा वो इतना वजन है। सिक्के हमेशा जितने ज्यादा हो सके, आप 5 किलो का 10 किलो का डब्बा रख दो घर के अंदर और उसमें सिक्के डालने लग जाओ। सिक्के जब तक आपके घर में ज्यादा मात्रा में 2 किलो 4 किलो जितने ज्यादा हो सिक्के आप रखो, आप देखोगे आपके घर में लक्ष्मी बहाने मार मार कर आएगी। सोने से पहले जैसे बहुत सारे सिक्के जैसे मेरे पास बहुत है, अगर मैं सोचूं भी कि मुझे रोज रात को उसको गिन करके सोना है तो नहीं सो सकते, लेकिन जैसे 100, 200, 300 है अलग अलग सिक्के हैं, आप सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट उन्हें अवश्य ही आप गिनो, गिन करके रखो। सोते समय यदि आप सिक्के गिनना शुरू कर दो रोज सोने से पहले, आपके पास धन अपने आप आने लग जाएंगे, लग जाएगा। आपको खुद ये डिसाइड करना है आपको सिक्के गिनने किस तरीके से, आप गिने, आपके फैमिली में और 2-4 मेंबर्स उन्हें भी आप बिठा ले, सोने से पहले आप बैठ जाएं कि सिक्कों को गिने और रख दें और दिन भर उसमें और भी सिक्के डालें, जहां से भी आपके पास छुट्टे आते हैं आप उसमें डालते रहे बिना गिने, रात को आप उसे गिने। दोस्तों मैं आपको लिख करके देती हूँ, कुछ ही दिन आप इस क्रिया को करना शुरू करें, ये नहीं कि आपने आज गिना, 2 दिन गिना, 3 दिन गिना और 4th दिन आपके पास पैसे आ गए, नहीं, पैसे आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई। किसी भी चीज का बीज जब आप पृथ्वी पर मिट्टी में दबाते हैं वो तुरंत पेड़ नहीं लगता, आज आपने उसको दबाया है, कल धीरे धीरे उसके अंदर से हवा जाएगी, खींचेगी मिट्टी को, धीरे धीरे उसको अंकुरित करेगी, उसके बाद वो मिट्टी पत्तों का रूप लेगी और धीरे से फूट करके बाहर आती है, उसके बाद वो धीरे धीरे पेड़ पनपता है। शुरुआत की आपने, मतलब आपने किसी अच्छी चीज का बीज प्रकृति में डाल दिया, अब धीरे धीरे उसको पनपने का मौका दो, ये नहीं कि आज आपने बीज डाल दिया है 2 दिन बाद आप उस तरफ देखने ही नहीं जाओ, थोड़ा सा पौधा फूट करके भी आया उस पर पानी के छींटे मत नहीं लगाओ, पानी नहीं डालोगे तो पौधा खिलेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, नहीं होगा। जो भी क्रिया आप करते हो उसको कंटिन्यू करते रहो, जो सुख और समृद्धि की क्रियाएं हैं वो तमाम क्रियाएं, एक नहीं तमाम क्रियाएं आप करना शुरू करो और उसको करते रहो, जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ये वट वृक्ष की तरह आपकी क्रियाएं बड़ा रूप लेंगी और आपके घर में धन लक्ष्मी मतलब एक बड़े स्वरूप में आने लग जाएगी। तो ये छोटी सी क्रिया है, शुरुआत करके देखें क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप लिखें। करते रहें, खुश रहें, जय श्री कृष्ण।